नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 जून शुक्रवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीएम के योग कार्यक्रम में बारिश का खलल, हॉल में शिफ्ट किया। राजस्थान में पानी के अंदर ध्यान, रेतीली धोरों में योग। केजरीवाल की रिहाई पर हाईकोर्ट ने लगा दी ब्रेक। शिमला के जुब्बल में बस खाई में गिरी, 4 की मौत। लोकसभा के पहले सत्र में सरकार को घेरेगा विपक्ष। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। आज 10वां योग दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीनगर में योग किया। पहले यह कार्यक्रम डल झील के किनारे 6:30 बजे होना था, लेकिन बारिश की वजह से इसे हॉल में शिफ्ट कर दिया गया। यह करीब 8 बजे शुरू हो पाया। इसमें 7,000 लोगों को शामिल होना था, लेकिन हॉल में शिफ्ट होने के कारण सिर्फ 50 लोग ही शामिल हुए। इस मौके पर पीएम ने कहा कि योग की यात्रा लगातार जारी है। आज दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग केवल विद्या ही नहीं, विज्ञान है। विश्व योग दिवस के मौके पर राजस्थान में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर में हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कैबिनेट के साथियों के साथ योग किया। राज्यपाल कलराज मिश्र भी कार्यक्रम में अलग अलग योग क्रियाएं करते हुए नजर आए। वहीं पाकिस्तान से सटे बॉर्डर एरिया में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने योग के माध्यम से फिट रहने का संदेश दिया। जोधपुर में ग्रुप की ओर से अलग अलग ऐतिहासिक इमारतों के सामने योग पिरामिड बनाए गए। भरतपुर में सबसे अनोखा योग किया गया, यहां स्विमिंग पूल के अंदर लोगों ने ध्यान लगाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत वाली खुशी पर फिलहाल ब्रेक लग गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी की याचिका स्वीकार करते हुए केजरीवाल की रिहाई पर तब तक रोक लगा दी है जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। गुरुवार शाम राउज एवेन्यू स्थित विशेष अदालत की अवकाशकालीन बेंच ने केजरीवाल को जमानत दी थी। जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की हाई कोर्ट वाली अवकाशकालीन पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने ईडी की प्राथमिक दलीलें सुनने के बाद मामले पर तुरंत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को कहा है। कोर्ट ने निचली अदालत से आदेश की कॉपी और फाइल भी मंगवाई, साथ ही सुनवाई पूरी होने तक बेल ऑर्डर पर अमल रोक दी। शिमला में हिमाचल प्रदेश सड़क एवं परिवहन निगम की बस सुबह 6:45 पर खाई में गिर गई, जिसके कारण बस के ड्राइवर कंडक्टर समेत 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 यात्री भी शामिल है। यह दुर्घटना जुब्बल के केंची इलाके में हुई, जब शिमला जिले के रोहड़ू इलाके में कुड्डू दिलतारी जा रही बस पहाड़ी से नीचे खाई में गिर गई। बस में ड्राइवर कंडक्टर के अलावा 5 यात्री सवार थे। तीनों घायलों को रोहड़ू के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आम चुनाव में ताकत बढ़ने के बाद विपक्ष 24 जून से शुरू हो रहे लोकसभा के पहले ही सत्र में मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। इंडिया ब्लॉक की रणनीति सामूहिक ताकत दिखाने की है। फोकस 3 मुद्दों, नीट, अग्निवीर योजना और एग्जिट पोल से शेयर बाजार में उथल पुथल से करोड़ों रुपए इधर से उधर होने पर रहेगा। इन 3 मुद्दों पर सरकार बैकफुट पर है। भाजपा के सहयोगी दल भी नीट और अग्निवीर को लेकर अलग खड़े दिख रहे हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस इन 3 मुद्दों पर विपक्ष को पूरी तरह साथ लेकर चलने की रणनीति अपनाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि फिलहाल सेना के सेंट्रल कमांड का नेतृत्व कर रहे हैं। वह लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी 30 जून को जनरल मनोज पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद थल सेना अध्यक्ष का पद संभालेंगे। वह 1985 में गढ़वाल राइफल्स में नियुक्त हुए थे। जयपुर में सरस का नकली घी बेचा जा रहा है। राजस्थान के अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि मालवीय नगर स्थित डी मार्ट स्टोर पर नकली प्रो वैदिक घी बिकने की शिकायत मिली थी। सरकारी लैब से करवाई गई जांच में माना गया कि यह घी घटिया एवं नकली है। जांच में यह भी पता चला कि सरस घी के एक ही बैच नंबर और एक ही सीरीज के कई घी के डब्बे थे। 450 लीटर घी सीज किया गया और सैंपल लिए गए। 20 जर्मन शेफर्ड नस्ल के डॉग को बीएसएफ बीकानेर सेक्टर मुख्यालय में ट्रेंड किया जा रहा है। उसके बाद ये डॉग्स भारत पाक सीमा पर घुसपैठियों, मादक पदार्थ और हथियारों को पकड़ने में मददगार साबित होंगे। बीएसएफ राजस्थान और गुजरात फ्रंटियर का पहला डॉग्स ट्रेनिंग एंड ब्रीडिंग सेंटर बीकानेर सेक्टर मुख्यालय में खोला गया है। इस सब्सिडियरी के नो ट्रेनिंग सेंटर में 20 जर्मन शेफर्ड की पहली खेप को आईपी असॉल्ट, नारकोटिक्स और एक्सप्लोसिव का पता लगाने में ट्रेनिंग दी जा रही है। इन सभी की उम्र 8 से 9 माह की है। 6 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद इन्हें राजस्थान की पश्चिमी सरहद और गुजरात के कच्छ में तैनात बीएसएफ की विभिन्न यूनिट्स में भेज दिया जाएगा। बाड़मेर में विश्व योग दिवस पर जिला स्तरीय मुख्य समारोह बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में आयोजित हुआ। जिला कलेक्टर निशांत जैन, एसपी नरेंद्र सिंह मीना सहित प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। प्रोग्राम में बच्चे, महिलाओं और युवाओं ने योगाभ्यास किया।
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक माध्यमिक शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 का परिणाम जारी कर दिया है। यह परीक्षा कुल 461 पदों के लिए आयोजित की गई थी, लेकिन मुख्य सूची में 296 अभ्यर्थी शामिल हैं। विश्व योग दिवस के मौके पर झुंझुनू के स्वर्ण जयंती स्टेडियम पर जिला स्तरीय प्रोग्राम हुआ। 4 महिला प्रशिक्षकों के नेतृत्व में करीब 1000 योग साधक एक साथ योगाभ्यास किया। बालिकाओं द्वारा योग आसनों की प्रदर्शनी लगाई गई। दौसा में योग दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम रामकरण जोशी स्कूल के ग्राउंड में आयोजित हुआ। कलेक्टर देवेंद्र कुमार, एसपी रंजिता शर्मा व पूर्व विधायक शंकर शर्मा ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें आयुष विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार योग गुरु सुरेश शर्मा ने योग करवाए। ओडिशा स्थित पुरी जगन्नाथ मंदिर में 22 जून को होने जा रहे अनोखे उत्सव देव स्नान पूर्णिमा की तैयारी हो चुकी है। कहते हैं कि इसी दिन महाप्रभु जगन्नाथ जन्मे थे, इसलिए महाप्रभु उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा श्री मंदिर में भक्तों के सामने स्नान करते हैं। यह साल में एक ही बार होता है। ऐसा प्रचलन में है कि देव स्नान के बाद भगवान जगन्नाथ को बुखार आ जाता है, इसलिए वो अगले 15 दिन किसी को दर्शन नहीं देते। इस दौरान उनके अनन्य भक्त रहे आलारनाथ भगवान दर्शन देते हैं। रथ यात्रा से 2 दिन पहले गर्भगृह भक्तों के लिए खुल जाता है। इस बार भी भगवान के स्नान के लिए सोने के कुएं से पानी लाया जाएगा। बाड़मेर के विद्युत चोरी निरोधक थाना पुलिस ने बिजली चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने उसे 15 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। बिजली चोरी कर निगम को राजस्व का नुकसान पहुंचाने एवं जुर्माना राशि जमा नहीं करवाने पर लाइट चोरी निरोधक थाने में FIR दर्ज कराई गई थी। सवाई माधोपुर में जिला स्तरीय कार्यक्रम पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। जिला आयुर्वेद विभाग की ओर से आयोजित जिला स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशाल यादव, ममता गुप्ता, अनिल चौधरी सहित जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के आला अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया। सबको योग करने के बाद छाछ पिलाई गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।